मुझे कवर करना है हेमिस मॉनेस्ट्री और थिक्से मॉनेस्ट्री, ये दोनों मॉनेस्ट्रीज को देखना है। फिर शाम में एक्स्ट्रा फ्यूल गैलन में लेना है क्योंकि कल मेरी जर्नी शुरू हो रही है खारदुंगला, दिस्कित, तुरतुक, न्यूब्रा वैली, पैंगोंग, और उस तरफ में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है दिस्कित में, तो एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा। वैसे अभी तक तो जर्नी में ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसकी टैंक की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, 21 लीटर है, तो रिफ्यूलिंग करवा करके यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। लेकिन मैंने डेजर्ट फॉक्स बैग 3 लीटर एक्स्ट्रा परचेज़ कर लिया, प्लस एक गैलन है खाली गैलन 5 लीटर का, इन दोनों में मैं एक्स्ट्रा फ्यूल ले लूँगा। होपफुली कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए फ्यूल की। और आज ये लोकल साइट सीइंग करने के बाद कल मॉर्निंग में मैं निकल जाऊँगा यहाँ से लेह से, और फिर देखते हैं, होपफुली आगे का सफ़र भी अच्छा होगा। अभी तक वेदर बहुत अच्छा है, खुला हुआ है, कोई बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट है। सुबह और शाम थोड़ी ठंड होती है लेकिन दोपहर में बहुत प्लेजेंट हो जाता है। जैसे जैसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 11,000 फीट में हूँ, अभी मुझे 17,000-18,000 फीट क्लाइम करना है, राइड करना है, तो वहाँ पे ठंडी मौसम मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं और वेदर और भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो आज का पहले ये राइड कम्प्लीट करते हैं टाउन में, टाउन के आसपास, और फिर कल निकलेंगे खारदुंगला और दिस्कित, एंड देन फॉलोड बाई तुरतुक किले, जो कि लास्ट विलेज है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में। आज के दिन की शुरुआत हेमिस मॉनेस्ट्री से हो रही है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है लद्दाख में, थोड़े हाइट पे सिचुएटेड है, रफली 42 किलोमीटर है लेह से, और आपको मनाली वाले हाईवे में आना होगा। मॉनेस्ट्री का रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, चलिए आइए आगे फॉलो करिए, आगे देखते हैं। ये है मॉनेस्ट्री का एंट्री गेट, और यहाँ से हमें टिकट लेना होगा। इस मॉनेस्ट्री जो है, इस मॉनेस्ट्री का नाम हेमिस मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री को 1630 में बनाया गया है, फाउंडेड इन फर्स्ट तक्सन रस्पा, जो हमारा इस मॉनेस्ट्री का हेड नाम है। और इस मॉनेस्ट्री ड्रुकपा सेक के अंदर जाता है, ड्रुकपा सेक। अभी जो लीड कर रहे हैं वो 12th गेलोन ड्रुकपा अभी नेपाल में है। अच्छा, हमारा गुरु जी। इस मॉनेस्ट्री का मोर देन 200 ब्रांचेस इन हिमालय। अच्छा, हिमालय। हाँ जी, हेड ऑफिस है बेसिकली उसका, है ना। और उसके अंदर 1000 से ज्यादा मंक है ब्रांचेस में, और इस मॉनेस्ट्री में अभी रेगुलर रहते हैं 150-160। तो यहाँ पे एजुकेशन भी चलता है उनका, एजुकेशन स्कूल है, स्कूल है। हाँ जी, स्कूल है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपको कितना टाइम हो गया मतलब यहाँ पे? मैं 2014 में आया। 14 में? हाँ जी, तब से है ना। इससे पहले मैं रेंचो स्कूल में था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये है हेमिस मॉनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस गेट, बहुत ही खूबसूरत है। पीछे में हेमिस मॉनेस्ट्री का एंट्रेंस, अंदर कैमरा अलाउड नहीं लेके जाना, अंदर जा कर के बहुत बड़ा स्टैचू है बुद्धा जी का, बहुत सारे बेंच वेंच रखे हैं प्रेयर्स के लिए, 1600 सेंचुरी का बना हुआ है। ये है थिक्से मॉनेस्ट्री, 50 rupees ईच टिकट। ऊपर चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे मॉनेस्ट्री।
सो आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द थिक्से मॉनेस्ट्री. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड यू कैन सी द टाउन बिहाइंड मी. सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि काफ़ी हायर अल्टीट्यूड पे है ये. बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, अमेजिंग व्यू मॉनेस्ट्री का और मॉनेस्ट्री से नीचे की सड़क का. लद्दाख सोलो बाइक राइड का डे नंबर 6 है, 4 सितंबर 2021. आज की लोकल साइट सीन में दो डेस्टिनेशन मैंने कवर किया, पहला था हेमिस मॉनेस्ट्री और दूसरा था थिक्से मॉनेस्ट्री. दोनों मॉनेस्ट्रीज काफ़ी अच्छी है. हेमिस मॉनेस्ट्री यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर दूरी पे है, पहाड़ों में जा करके, और काफ़ी खूबसूरत है. इट्स हाईली रिकमेंडेड, आप भी जाएँ वहाँ पर देखें ज़रूर से. बहुत पीसफुल इलाका है. 50 रुपीज़ एंट्री फी है पर एडल्ट. नीचे पार्किंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके बाद जब वापसी में पाएंगे तो लेह और मनाली हाईवे में ये पड़ेगा थिक्से मॉनेस्ट्री. काफ़ी ब्यूटीफुल और फेमस मॉनेस्ट्री है. इसमें बिल्कुल आप टॉप तक जा सकते हैं और वहाँ से आपको पूरा लेह का व्यू नज़र आएगा. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ऑनवर्ड्स फॉरवर्ड करें. थैंक यू वेरी मच. और कल है डे 7, ये 5 सितंबर संडे. कल जो हमारा राइड है वो है तुरतुक का, जो 203 किलोमीटर है लेह से. मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करूँगा, खारदुंगला पास में थोड़ा रुकना है और फिर उसके बाद वहाँ से प्रोसीड करेंगे दिशकित के थ्रू तुरतुक. तुरतुक जो है लास्ट विलेज है इंडिया पाकिस्तान का. बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी फेमस जगह है और यूट्यूबर्स में काफ़ी फेमस है. तो वहाँ पे कल रात में स्टे है. तो कल की जो व्लॉग है वो तुरतुक बेस्ड होगा, तुरतुक, दिशकित और खारदुंगला के ऊपर में. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके पास.